जी लो बहू, और हमने पूजा के लाने सामान कार में रखवा दो, वो सब चढ़ा देना, और बाबा जी से कह के आना कि अगली बार बच्चे के साथ आएंगे आशीर्वाद के लाने। हाँ ठीक है माँ जी, हम कह देंगे, बस इतना ही कहना है ना। और हाँ, रास्ते से नारियल जरूर खरीद लेना। हाँ हाँ बुआ जी, हम सब कुछ ले लेंगे, आप चिंता क्यों करती हैं, हम है ना। हाँ चिंता तो होती अगर तुम अकेली जा रही होती कंचन के साथ, पर अब समधन जी जा रही है ना, तो चिंता की कोनो बात नहीं है। हम तो साथ में जाना चाह रहे थे, पर जी बिल्कुल ही नहीं मानी। फिर हमने कहा कि आप दोनों साथ में जा रही हैं, तो आपसे अच्छा ख्याल कौन रखेगा है? आपकी बहू बिल्कुल सही कह रही है समधन जी, अभी अभी तो आप कमर से ठीक हुई है, आपका जाना बिल्कुल ठीक नहीं होता। और फिर हम है ना, आप चिंता क्यों कर रही हैं, हम आपकी बहू का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए चलिए भाभी, हम चलते हैं। आराम से, आराम से, एकदम धीरे धीरे। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं ना? करते हैं ना आप हमसे प्यार? क्या मतलब है? आराम से, धीरे, आराम से, कोई बात, धीरे बेटा, धीरे, संभल के बेटा, आराम से, आराम। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एक काम करते हैं, हाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ बहुत देर से खड़ी हो ना, इसीलिए शायद दर्द हो रहे। नहीं आंटी, हम कार में ही बैठेंगे। अब आप आराम से चलिए, बस हम कार के यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। आइए भाभी। दीदी दीदी, हम तो अब भी कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं बेटा। अरे संभाल के बेटा, भाभी दीदी थोड़ी सी हाथ दो, अपना हाथ दो, धीरे बेटा, हिम्मत से काम लो, ज्यादा पड़ गए, संभाल के बेटा, भाभी संभालिए, किसी तरह गाड़ी तक चलो बेटा, वहाँ से हम तुम्हें सीधा अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ। नहीं आंटी, हम अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है आंटी। 9 महीने पूरा हो गए का? नहीं 9 महीने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन हमको लगता है कि बच्चा चल चुका है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए। कैसा दर्द है बेटा, ऐसा देखे उठ रहा है का? आप सही समझी, बच्चा चल चुका है अस्पताल तक, ये मुड़ी नहीं पहुंच पाएगी। अब इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मतलब डिलीवरी यहीं करनी पड़ेगी? हाँ। ये क्या बोल रही हैं आप माँ जी, यहाँ कर सकते हैं? हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ कैसे कर सकते हैं माँ? अरे जैसे भी हो, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आप हाँ। सब हमारी मदद कर देंगे तो सब हो जाएगा। क्या हो बहन जी? पंडित जी, पंडित जी, प्रभु के द्वार पर एक नई जान जन्म ले को है, आपकी मदद की जरूरत है, बस थोड़ा गर्म पानी और कुछ जरूरी सामान चाहिए हमको। हाँ हाँ ये सब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम अभी अपनी बहू को आपके पास भेजते हैं। रश्मि, रश्मि तुम जल्दी से पंडित जी के पास जाओ और एक बड़े से पतीले में पानी गर्म करके ले आओ, जल्दी जाओ। जल्दी, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अरे बहनों जल्दी से साड़ी के हाथ बांध लो। अरे मोड़ी जा, वो साड़ियाँ रखी है ना माता जी को चढ़ाने के लिए, अभी काम आएगी, लेके आ जल्दी। अरे यहाँ क्या खड़े हो, यहाँ का तमाशा बना के रखा है, हटो यहाँ से। कुछ नहीं होगा तुम्हारे तुम्हारे बच्चे को, सब ठीक हो जाएगा, तुम भगवान के घर में हो, यहाँ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता बेटा। हिम्मत बांध के रखो बेटा, हिम्मत बांध के रखो। हटिए एक मिनट, हटिए माँ जी, गर्म पानी। रश्मि एक काम करो, तुम पंडित जी के पास जाओ और कुछ तौलिए और कपड़े ले आ सके तो ले आओ। जी माँ जी, हम अभी लाते हैं। अरे जरा तो सहन कर मोड़ी, बच्चा जन रही है, कोई खेल नहीं। नहीं आंटी, अब नहीं हो रहा, बस
मर ही जाएंगे आंटी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम ये कर सकती हो,